अवैध खनन करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर कोई सरकारी जमीन इनको खाली दिखती है तो ये शायद ये समझ बैठते हैं कि अब इस जमीन के मालिक यही है, अब वो जो चाहे इस जमीन पर कर सकते हैं, चाहे वो खनन हो या फिर मकान का निर्माण। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें ये माफिया अवैध तरीके से सरकार की जमीन को किसी और के हाथों बेच देते हैं। ऐसा ही एक खुलासा यूपी के सहारनपुर से हुआ है, जहां 132 की लैंड पर स्टोन क्रशर लगवाने, जमीन को बेचकर रास्ता बनाने और अवैध खनन किया जा रहा था, जिसको लेकर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाता देख शिकायतकर्ता ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एक तो जिस जगह पर हम खड़े हैं, जो मुझे आपसे पेपर दिखाए हैं अभी, इन पेपरों में एक पेपर तो है मुख्यमंत्री के यहाँ जो हमने दे रखा है, एक मंडल आयुक्त के यहाँ दे रखा है। ये रास्ता है ग्राम समाज का, कुछ आदमियों ने ग्राम समाज में रास्ता देकर और क्रेशर चलता करवा दिया, क्रेशर वालों पाते रास्ते के एवज में पैसे लिए हैं। और ये सारी की सारी उसकी धारा 32 एक्सलेंट की वो हैं पट्टे, इन वह सारों पर ये लोग काबिज हो चुके हैं सर। खनन और स्टोन क्रशरों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाला सहारनपुर का बेहट तहसील एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल यहाँ कुछ समय पहले 132 की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, जहाँ पर शिव भोला नाम से स्टोन क्रशर लगाया गया है और इस जमीन पर अवैध खनन का भी काम चलता है। इसको लेकर एक शिकायतकर्ता ने एसडीएम, डीएम और कमिश्नर को लिखित शिकायत दी, लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। मामला संज्ञान में आने के बाद बेहट तहसीलदार अमित कुमार ने दावा किया है कि किसी भी सूरत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। इसकी जमीन है, वो ग्राम समाज की रिजर्व लैंड है, उस पे कोई अवैध अतिक्रमण या संभवतः अवैध खनन ऐसी कोई शिकायत है तो इसकी जांच करवा रहे हैं, और जांच करवाने के बाद जो भी एज पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किसी भी दशा में ना तो ग्राम समाज की किसी भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने दिया जाएगा। सरकार की जमीन पर अवैध खनन करने वालों को ये खौफ नहीं रहता है कि एक न एक दिन ये मामला सरकार और प्रशासन के संज्ञान में आएगा ही और कभी न कभी मामले का खुलासा होगा ही, जिसके बाद इन पर जाने क्या कार्रवाई होगी और इन्हें क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल शिव भोला क्रशर का मालिक इन बातों की परवाह नहीं कर रहा, तभी तो सरकारी जमीन पर अपना कब्जा बनाए हुए है। बहरहाल देखना ये होगा कि शिकायतकर्ता फारूक की शिकायत पर कितनी जल्दी और किस तरीके की कार्रवाई होती है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।